दोस्तों, यह बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात को कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नव युवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। तभी महात्मा उस नव युवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना करो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नव युवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लूट गया, लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली, पर अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ, यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है। दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात की कहानी की मदद से समझता हूं। आओ इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलता है। चलिए बौद्ध कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ इतनी तेज थी कि सब कुछ बह गया। और उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थी, लेकिन बाढ़ में उसका सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और किसान ने कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, मेरा सब कुछ छिन गया, यहां पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को जो भी हमारे घर था वह बाढ़ में बह गया, इसमें अच्छा क्या है, यह सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहां से चला जा, तू यहां रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से उतरे लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसी को डांट दिया, सही तो कह रहा था, देखिए अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक पैसों की एक पोटली थी, इस पोटली बहुत ही खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में। किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको का क्या तात्पर्य। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता। इस साल उसे खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा, आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश में नहीं करते हैं, थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा, उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी, कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना हो जाएंगे। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उससे कोई काम दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता की मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बार के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया, मेरा एक लड़का वह भी घर छोड़कर चला गया, मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं, ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यह भला अच्छा कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी उसे फिर समझती है, क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो, आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। अब घर पर बैठक रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। अगले दिन फिर प्रातःकाल वह काम की तलाश में नगर में निकला, लेकिन इस बार भी उससे कोई भी काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वह घर लौटने वाला था कि रास्ते में उसे फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, क्यों तुम परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई कि दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को भी अनाज नहीं रहा और जी घर बाढ़ में बह गया। कहीं छोटा सा घर मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया था, इसलिए महात्मा जी मुझ में अब अपने पूरे परिवार का और फिर भी मैं जीवन भरी मुश्किल से गुजार बड़ी मुश्किलों से कर रहा हूं। फिर यह सब सुनकर उन महात्मा से उस किसान ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तभी महात्मा की इस बात पर वहां किसान बोला, दरअसल गुरुजी, मैंने गुस्से में आकर अपने लड़के को कुछ अपशब्द सुना दिए थे, जिसके कारण वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। इस पर महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है और मेरे लड़के ने भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है ना गुरुजी? तभी महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। और इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं, लेकिन अगले दिन वह फिर काम की तलाश में वह नगर में निकल जाता है, लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़ सेठ के घर में उसे करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और वह सेठ उस किसान से कहते हैं कि तुम्हें और भी कोई दिक्कत है तो मेरे घर पर बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं वहीं ठीक हूं। फिर उस सेठ ने उस किसान की इस ईमानदारी को देखकर उसने अच्छी तनख्वाह पर उसे काम पर रख लिया और अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात को उसका दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो किसान और उसकी पत्नी दोनों यह देखकर हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कर और बड़ सा बैग ली दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ में नहीं आई कि कौन है यह लड़का। तभी उस किसान से कहा, लड़के ने बोला, पापा मैं हूं आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है? लड़की ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं, मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। दरअसल मैं उस दिन यहां से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहां पर कहां मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहां पर नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मैं उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और इतना सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोलता नहीं। अगर यह बात मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हां मुझे यह बात समझ में आ गई, यह बिल्कुल सही बात है। देखो उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़ घर में नौकरी मिल गई है, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा, हम तो माला माल हो गए। बेटे किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नव युवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है कि वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना यह जान पाता है कभी कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा।
इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसीलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही। उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला। तो तब महात्मा ने उसे एक चमकदार चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर यह मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसको लोहे सेप करा के हर लोहे की चीज को सोने बनाया जा सकती थी। अब वह भी मालामाल हो गया। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और एज और कहानी सुनने के लिए नरवाल मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।